हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क 2018 का एग्ज़ाम होने वाला है और ये सारे एग्ज़ाम्स दिसंबर मंथ में होंगे। 8, 9, 15 और 16 तारीख को एग्ज़ाम्स होंगे, प्री एग्ज़ाम। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने एक इशू रहता है कि किस तरीके से इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर किया जाए और प्री और मेंस में इस एग्ज़ाम को इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके निकाला जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, स्टूडेंट्स की इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, मैं एक ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए प्री और मेंस के लिए बेस्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा, चाहे वो स्पॉटिंग एरर के हों, चाहे क्लोज टेस्ट के हों, चाहे पैरा जंबल के हों, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ये सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए, जब तक मेंस एग्ज़ाम होगा तब तक। और इन वीडियो क्लासेस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड करूँगा। इनको आप इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर आप देख सकते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ। स्टूडेंट की पॉपुलर डिमांड पर आप ऑनलाइन कोचिंग मंथली बेसिस पर ले सकते हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, इसको विजिट करना होगा, www.examinee.in। तो यहाँ पर बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, SSC के सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं मंथली बेसिस फीस पर। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए और इसको मैंने स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड पर ही शुरू किया है। तो इन कोर्सेज का आप लाभ उठाएं, इनका फ़ायदा लें और इनके थ्रू अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, स्पॉटिंग एरर में और क्लोज टेस्ट में, पैरा जंबल में नए पैटर्न के क्वेश्चन। नए पैटर्न से मतलब ये है कि बेसिक सेम रहते हैं लेकिन उनका उनका उसको उन क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके दिया जाता है, उन क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो और उसमें एक कंपटीशन क्रिएट हो। तो ये एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जाए, हमेशा ध्यान रखा करो कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक पूरा स्टेटमेंट दिया है और इसमें से एक पार्ट आपका गलत है। ए बी सी डी और ई में से एक पार्ट आपका ग्रामेटिकली इरर है, उस पार्ट को हटा के फिर जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस दिए रहते हैं इनको आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी और जब आप टेस्ट सीरीज करते हैं उस समय भी, तभी आप क्वेश्चंस को सही तरीके से कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ से हम पढ़ते हैं, इन रीसेंट ईयर्स मुस्लिम्स हैज़ बीन टारगेटेड। आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुस्लिम्स लिखा हुआ है तो मुस्लिम्स कैसा सब्जेक्ट है, मुस्लिम्स प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पर हैज़ बीन ना होते हुए हैव बीन होगा। अब चूंकि पूरे पार्ट में केवल एक ही पार्ट इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो इसमें बी पार्ट इनकरेक्ट है, बी पार्ट जो है इनकरेक्ट है, तो बी को हटा के आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आंसर होगा। अब देखिए, बी इसमें दिया है, बी इसमें दिया है, बी इसमें दिया है, बी वाले पार्ट में बी नहीं दिया है, यानी आपका आंसर होगा बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को किया जाता है। इन रीसेंट ईयर्स मुस्लिम्स हैव बीन टारगेटेड बाय एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स विच आर प्रीज्यूमली लुकिंग फॉर न्यू एनिमीज आफ्टर द फॉल ऑफ द लिट्टे। इसमें एक पॉलिटिकल एक सेंटेंस दिया गया है और मुस्लिम्स की बात हो रही है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है राइट विंग ग्रुप्स के द्वारा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने एक नए दुश्मन वो क्रिएट करें आफ्टर द फॉल ऑफ लिट्टे। प्रीअज्यूमली लुकिंग फॉर न्यू एनिमीज, अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, इसमें ये बात हो रही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ACDE, यानी बी पार्ट जो है वो गलत है। अब देखिए, ये है सेकंड सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स फ्यू स्मॉल ग्रुप्स। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि जैसे ही आपको एरर दिखाई पड़ती है वहीं पर आपको रुक जाना है और वहीं पर फिर आपका आंसर आपको टिक करना है। हालांकि इस वीडियो क्लास में मैं पूरा सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ऐसा ही करना है ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी रहता है। यदि आप पूरे क्वेश्चन को समझेंगे और पूरे क्वेश्चन को आप ट्रांसलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, देखिए यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स की बात हो रही है,
तो यहां पर हम बोलेंगे अ फ्यू स्मॉल ग्रुप्स, फ्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का जो कॉनोटेशन होता है वो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, इसलिए फ्यू वर्ड नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि हम स्मॉल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ग्रुप्स होना जरूरी है, ठीक है। हालांकि फ्यू का मतलब ना के बराबर होता है, लेकिन ए फ्यू यदि हम लेंगे तो उसका पॉजिटिव सेंस बन जाता है। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। और ठीक है, फ्यू और लिटिल में फ्यू हम काउंटेबल के लिए लेते हैं, लिटिल हम अनकाउंटेबल के लिए लेते हैं। तो इसमें ए फ्यू होगा, यानी आपका बी पार्ट जो है ये ग्रामेटिकली गलत है आपका। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें बी नहीं है, ठीक है। अब इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, यानी आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें बी नहीं है। इस तरीके से इनका आंसर निकालना होता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, अ फ्यू स्मॉल ग्रुप्स हैड मैनेज टू स्नीक अक्रॉस द बॉर्डर इन टू द टेरिटरी ऑफ आर फ्रेंडली नेबर बर्मा एन रूट टू चाइना। मतलब रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यू स्मॉल ग्रुप्स, कुछ स्मॉल ग्रुप्स ने मैनेज कर लिया था, वो घुस गए थे किसमें? बर्मा की टेरिटरी में, चाइना के रास्ते से। एन रूट का मतलब है कि चाइना के रास्ते से। तो एक रीसेंट रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि कुछ अनवांटेड स्मॉल ग्रुप्स बर्मा की टेरिटरी में घुस गए थे, इन टू द टेरिटरी ऑफ आर फ्रेंडली नेबर बर्मा एन रूट टू चाइना, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ए सी डी ई। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में, प्री और मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटिंग रीओरिएंटेशन इज नीडेड। अब यहां पर देखिए रीओरिएंटेशन क्या है। रीओरिएंटेशन एक नाउन है। रीओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपने फोकस को डायरेक्ट करना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। रीओरिएंटेशन का मतलब फिर से उसको डायरेक्ट करना, अपने फोकस को रीडायरेक्ट करना। तो रीओरिएंटेशन क्या है? नाउन है, और नाउन को हम क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव से। तो रिपीटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन यहां पर सही वर्ड क्या होगा? कैसा रीओरिएंटेशन की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिपीटेड रीओरिएंटेशन की, रिपीटिंग नहीं। ऐसा ऐसा रीओरिएंटेशन जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा रिपीटिंग ओरिएंटेशन का कि रीओरिएंटेशन रिपीट हो रहा है, रीओरिएंटेशन रिपीट हो रहा है। जबकि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि रिपीटेड रीओरिएंटेशन इज नीडेड, मतलब बार बार होने वाला रीओरिएंटेशन की जरूरत है, ठीक है। तो रिपीटिंग से यहां सेंस नहीं बनेगा, यहां सही सेंस बनेगा रिपीटेड से। ऐसा ओरिएंटेशन जो बार बार रिपीट होता है, रिपीटेड रीओरिएंटेशन इज नीडेड, मेकिंग द कार गिवर रोल इंपॉर्टेंट, द रिस्क ऑफ फॉल इज हाई एंड इट विल बी नेसेसरी टू प्लान फॉर रेगुलर पल्स एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। यहाँ पर हेल्थ इशूज की बात हो रही है, तो इसमें ये जो ए पार्ट है ये गलत है। अब आपका आंसर क्या होगा? जिसमें ए नहीं होगा वो आपका आंसर होगा ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, आपका आंसर होगा सी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट सेज टू, देखिए इट सिंगुलर है तो सेज यहां पर सही है। इट सेज टू प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स वॉट दे शुड और शुड नॉट डू। मतलब ये चीज प्रेसिडेंट और गवर्नर से कहती है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाउ दे शुड एंड शुड नॉट एक्ट, उनको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए और किस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए। व्हेन स्क्रूटिनाइज्ड रिजल्ट टू सी, कब उन्हें स्क्रूटिनाइज रिजल्ट को देखना है। हु शुड बी कॉल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, और किसको बुलाना चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की ड्यूटीज और राइट्स ये बता रहे हैं हम, ठीक है। देखिए यहां पर वॉट दे शुड और शुड नॉट डू, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते वॉट शुड दे डू। वॉट शुड दे डू अगर हम बोलेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें हम वॉट दे शुड डू और शुड नॉट डू ये सही है। हाउ दे शुड एक्ट एंड शुड नॉट एक्ट ये भी सही है, और हु शुड बी कॉल्ड मतलब किसको बुलाया जाना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। हु शुड बी कॉल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो ये सारे पार्ट सही हैं। लेकिन यहां पर स्क्रूटिनाइज्ड रिजल्ट का क्या मतलब है? हाउ देयर शुड एंड शुड नॉट एक्ट,
वैन स्क्रूटिनाइजिंग रिजल्ट टू सी, कब रिजल्ट्स को देखना है, ऐसे रिजल्ट जिनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, जिनको एग्जामिन किया जा रहा है और उनको गवर्नर को और प्रेसिडेंट को जाकर देखना है। यदि स्क्रूटिनाइज्ड हो जाएंगे तो उसके बाद रिजल्ट को देखने की जरूरत क्या पड़ेगी, जिस समय रिजल्ट्स को हम स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उस समय जाके चेक करने की जरूरत है कि ये काम सही हो रहा है या नहीं। तो इसलिए स्क्रूटिनाइज्ड रिजल्ट के स्थान पर इसमें हम बोलेंगे स्क्रूटिनाइजिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स दैट आर बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड, रिजल्ट्स दैट आर बीइंग एग्जामिन्ड। ठीक है, तो इसलिए स्क्रूटिनाइज्ड का मतलब होगा कि ऐसे रिजल्ट जिनको स्क्रूटिनाइज किया जा चुका है, ईडी का मतलब होता है कि वो काम खत्म हो गया है, स्क्रूटिनाइज्ड मतलब स्क्रूटिनाइज किया जा चुका है, स्क्रूटिनाइजिंग मतलब जिनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। तो यहां पर स्क्रूटिनाइजिंग से एक सही सेंस क्रिएट हो रहा है, हालांकि स्क्रूटिनाइज्ड भी अपने आप में एक वर्ड हो सकता है और सही ये एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, लेकिन यहां पर स्क्रूटिनाइजिंग कहना सही होगा, यानी डी पार्ट इसमें गलत है। अब डी इसमें है, डी इसमें है और डी इसमें है, आपका आंसर होगा इसमें सी। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखिए, ये एक नया पैटर्न लिया है, इसमें कुछ अलग ही तरीके से कुछ करना है आपको। इसमें पांच जो पार्ट हैं उसमें से केवल एक पार्ट आपका करेक्ट है, चार पार्ट रॉन्ग हैं, मतलब उल्टा कर दिया है इस सेंटेंस को। नॉर्मली इधर पूछते हैं, लेकिन इसमें से करेक्ट पार्ट आपसे पूछ रहे हैं, यानी चार पार्ट रॉन्ग हैं और एक पार्ट करेक्ट है। तो इसके दो तरीके हैं इस तरह के सेंटेंस को करने को। एक तो डायरेक्टली आप, यदि आपको कोई सेंटेंस, कोई पार्ट ऊपर से आपको करेक्ट लगता है तो डायरेक्टली भी उसको आप लगा सकते हैं, और नहीं लगता है तो फिर आपको इनकरेक्ट पार्ट देखने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि ऊपर से देखने से, डायरेक्ट डायरेक्ट देखने से यदि फर्स्ट गो में आपको कोई पार्ट करेक्ट लगता है तो वही इसका आंसर होगा। जैसे इस पार्ट में देखिए, टू सेइंग द लीस्ट नहीं होता, टू से द लीस्ट होता है। ठीक है, बाय के बाद यहां पर कमिंग आएगा, कॉम्प्लिसिट का मतलब इन्वॉल्व्ड होता है, कॉम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व। तो इन्वॉल्व्ड में पहले से ही ईडी लगा हुआ है, इसलिए कॉम्प्लिसिटेड वर्ड कहना गलत है, कॉम्प्लिसिट बोलेंगे, दे आर कॉम्प्लिसिट, दे आर कॉम्प्लिसिट मीन्स दे आर इन्वॉल्व्ड, दे आर कॉम्प्लिसिट इन दिस, इन दिस। अब दिस के बाद हम क्या लगाते हैं, दिस के बाद हम नाउन लगाते हैं, जैसे दिस पेन, दिस बुक। ठीक है, तो दिस के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये है एडजेक्टिव, वायलेंट का मतलब हुआ एडजेक्टिव, तो ये होगा आपका वायलेंस। दे आर कॉम्प्लिसिट इन दिस वायलेंस बाय देयर डिलिबरेट नेग्लिजेंस टू से द लीस्ट इफ नॉट एक्टिव सपोर्ट बाय नॉट कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ मुस्लिम्स इन ए टाइमली मैनर। यानी इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ई पार्ट, ये बिल्कुल सही है, टू द रेस्क्यू के लिए हम टू लगाते हैं, टू द रेस्क्यू ऑफ मुस्लिम्स, टू द रेस्क्यू ऑफ मुस्लिम्स इन अ टाइमली मैनर। मैनर इसमें नाउन है, टाइमली एडजेक्टिव है, ठीक है, एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, लेकिन टाइमली यहां पर चूंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, और मैनर चूंकि काउंटेबल है तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे ए। तो ये वाला पार्ट जो है ई पार्ट, ये सही है। तो ई पार्ट किसमें दिया है, ये ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, तो ई पार्ट दिया है ई में, तो आपका आंसर होगा ई। ठीक है, यहां पर कॉम्प्लिसिट होगा, यहां पर वायलेंस होगा, यहां पर टू से द लीस्ट होगा, और यहां पर आपका बाय एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम ing फॉर्म की वर्ब लेते हैं, तो यहां पर कमिंग एक्चुअली होगा। ठीक है, तो इसमें ई पार्ट सही है, बाकी चार पार्ट गलत हैं, और सही पार्ट निकालना है तो आपका आंसर होगा इसमें ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी कैप्ट स्पोकन। देखिए कीप जो होता है, कीप ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन, और कीप ऑन में चूंकि ऑन एक प्रपोजिशन है इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ing फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, और कीप का जो पास्ट है तो वो है कैप्ट। जैसे यदि मैं बोलूं कि ही कीप ऑन वर्किंग, ही कीप्स ऑन वर्किंग, वह काम करता रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसता रहता है। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में हम कीप ऑन की जगह कीप वर्ड को भी बोलते हैं, और कीप के स्थान पर हम बोल सकते हैं कैप्ट। ठीक है, तो इसमें भी कैप्ट के बाद ing फॉर्म आएगा, यहां पर वी कैप्ट
स्पीकिंग टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। अब देखिए, इसको पूरा सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ा और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पाथ है ये सही है। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स दे कैप्ट, यानी बी पाथ में कोई आंसर नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कैप्ट लगाए तो यहां पर ये रीअस्यूरिंग हो जाएगा अस दैट देयर वॉज नथिंग, नथिंग टू, टू के बाद ये वरी हो जाएगा अबाउट एंड दैट दे वुड बी टेकन केयर ऑफ। ये पैसिव वॉइस है तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे दे वुड टेकन केयर ऑफ, दे वुड टेकन केयर गलत है। यदि यहां पर आप वुड लगाना चाह रहे हैं तो वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि आपको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको लॉजिक ये लगा सकते हैं कि वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, इसमें टेकन लिखा है, इसलिए ये पार्ट भी गलत हो गया। वैसे ये सही पाथ होगा दे वुड बी टेकन केयर ऑफ। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर दे कैप्ट, ठीक है, कैप्ट तो सही है, ये रीअस्यूरिंग गलत है, इसलिए बी पार्ट इसमें सही है। अब बी पार्ट दिया कहां पर है, बी पार्ट ए में दिया है, बी पार्ट आपका ए में दिया है, इसलिए आंसर होगा आपका ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दे शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग टू सच ए कैलेमिटी। देखिए, हम प्रिपेयर जब होते हैं तो किसी चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन प्रिपेयर, शुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, उनको प्रिपेयर किया जाना चाहिए था फॉर सच ए कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब विपत्ति, आपदा, और विपत्ति आपदा के लिए हम तैयार होते हैं, तो इसलिए यहां पर टू ना आते हुए यहां पर आएगा फॉर। दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर सच ए कैलेमिटी। इट लुक्स लाइक कैलस, इट सिंगुलर है तो लुक में इसलिए एस लगा दिया, ये वाला पार्ट इसमें सही लग रहा है। इट लुक्स लाइक कैलस वॉट, कैलस एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद हम लगाते हैं नाउन, तो यहां पर हो जाएगा डिसरिगार्ड। इट लुक्स लाइक कैलस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट माइनॉरिटी इन दोज कंट्री, नहीं होगा इन दिस या दैट कंट्री होगा, तो यहां पर आपका सी पार्ट सही है। और सी किस में दिया है, सी दिया है ई में, इसलिए आपका आंसर होगा ई, ठीक है। दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर सच ए कैलेमिटी, मतलब उनको इस तरह की विपदा के लिए, इस तरह की आपत्ति के लिए तैयार किया जाना चाहिए था। इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि ये कैलस डिसरिगार्ड है, ये एक इनसेंसिटिव डिसरिगार्ड है, मतलब ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड कर रहे हैं इनसेंसिटिव तरीके से, उनकी कोई फिक्र नहीं है उनको। इट लुक्स लाइक कैलस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट माइनॉरिटी इन इन दिस कंट्री या इन दैट कंट्री। तो इस तरीके से सी इसमें आपका सही है, और सी दिया है ई में, इसलिए इसका आंसर होगा ई। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अ कंपनी मे बी ओपनिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर विच इन टर्न कुड कॉज इट्स टोटल रेवेन्यू टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर। अ कंपनी मे बी ओपनिंग, अब देखिए मे बी ओपनिंग क्या है, मे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मे बी, कैन बी, शुड बी, माइट बी, जिसमें बी आता है उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा हो। अ कंपनी मे बी ओपनिंग, हो सकता है कंपनी ओपन कर रही हो सकता है कंपनी ओपन कर रही हो। क्या ओपन कर रही हो, अ सिग्निफिकेंट नंबर, नंबर यहां पर नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, और नंबर चूंकि काउंटेबल है इसलिए यहां पर हम लगाएंगे आ, तो ये आ सही है। अ कंपनी मे बी ओपनिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हो सकता है कंपनी हर साल एक सिग्निफिकेंट नंबर, एक एक बड़ी संख्या में स्टोर्स खोल रही हो। विच इन टर्न, और इससे क्या होगा, विच इन टर्न का मतलब यह है कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, विच इन टर्न कुड कॉज इट्स टोटल रेवेन्यू टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर। जब स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स कंपनी हर साल खोलती जा रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर। तो इस तरह के फ्रेजेस में जिसमें ईयर आफ्टर, जिसमें दो नाउन आफ्टर से जुड़ी रहती हैं, इस तरह के फ्रेजेस को हम आफ्टर के साथ जब जोड़ते हैं तो इसमें हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर। यदि आप यहां पर बोलेंगे ईयर्स आफ्टर ईयर्स, तो
तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है और इसका आंसर होगा सी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस शोज द गवर्नमेंट्स एरोगेंट। देखिए अपोस्ट्रोफी एस हम कब लगाते हैं, यदि मैं यहां पर लिखूं राम, ठीक है राम, और राम में मैं लगा दूं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो इसके बाद क्या चीज आएगी, इसके बाद नाउन आएगी, क्योंकि पजेशन जो हम दिखाते हैं वो नाउन का होता है, पजेशन किसी चीज का होता है, और वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है नाउन। तो यहां पर हम गवर्नमेंट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब किसी हम चीज का पजेशन दिखा रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी, वो चीज होगी नाउन। तो एरोगेंट ना होते हुए यहां पर मैं लिखूंगा एरोगेंस, क्योंकि एरोगेंट एक एडजेक्टिव है और एरोगेंस एक नाउन होती है। तो दिस शोज द एरोगेंस, दिस शोज द गवर्नमेंट्स एरोगेंस एंड यूनिलेटरल मूव। टू के बाद क्या लगाते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बुलडोजर ना होते हुए ये होगा बुलडोज। ऑल द फाइनेंशियल, फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं होता, फाइनेंशियल बिजनेस होता है। विदाउट, विदाउट प्रपोजिशन है, तो इसके बाद हम आई एन जी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, तो ये होगा डिस्कसिंग देम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आई थिंक ई पार्ट इसमें सही है, ई पार्ट में कोई गलती नहीं है, बाकी सारे पार्ट्स में इसमें गलती है। ई पार्ट दिया है ए में, तो इसलिए आपका आंसर होगा इसमें ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड, हो सकता है उनको डिबार नहीं किया किया गया हो। दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन इन इंडिया अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। दे विल गवर्न नहीं होगा, दे विल बी गवर्न होगा बाय द कोड ऑफ कंडक्ट होता है एप्लीकेशन। देखिए इसमें मैं बताता हूं कहां पर गलती है। दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड, मे नॉट बी, माइट नॉट बी, शुड नॉट बी के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं तो ये होता है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड, हो सकता है उनको डिबार नहीं किया गया हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड, ये सही है, ग्रामेटिकली सही है ये स्ट्रक्चर, तो इसमें ए पार्ट ही आंसर होना चाहिए। दो दे माइट नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फ्रॉम कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉट, कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन इन इंडिया, कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन इन इंडिया, ऐसा ऐसा आर्बिट्रेशन जो एराइज, जो जो निकलता है एराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से एराइज आउट होता है। ठीक है, तो इस ऐसे आर्बिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं जो एराइजिंग, जो एराइज आउट होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से। तो यहां पर हम लिखेंगे आर्बिट्रेशन इन इंडिया एराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दे विल बी गवर्न, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, गवर्न थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे विल बी, दे विल बी गवर्न बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्टिंग नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एप्लीकेबल के बाद हम ऑफ नहीं लगाते, एप्लीकेबल के बाद टू लगाते हैं। तो इस तरीके से ये गलतियां हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट इसमें सही है, ए पार्ट सही है, एक इसमें दिया है बी में, तो आपका आंसर होगा इसमें बी। तो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, और आपके आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए, प्री और मेंस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन वीडियो क्लासेस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड करूंगा इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी इसकी क्वालिटी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लगा। और बहुत कम फीस में मंथली बेसिस पर यदि आप बैंक पीओ की प्रोफेशनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं www.examini.in, और मंथली फीस पे करके, ना के बराबर फीस पे करके आप हाई क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस को लैपटॉप पर, मोबाइल पर, टैबलेट पर आप पढ़ सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप जाएं, साइन अप करें, अपना एक अकाउंट बनाएं, और येलो कलर में मंथली कोर्सेज के वहाँ पर थंबनेल दिए गए हैं येलो कलर में, तो इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर फीस पे कर सकते हैं, और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।